नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पर मैं हूं एस के दास तो साथियों आज हम लोग आए हैं आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे राहुल गला का साइंस पार्क का वीडियो बनाइए तो आज हम लोग आ गए हैं राहुल गला का साइंस पार्क काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी बचा हुआ है क्योंकि काफ़ी अच्छा बजट में इसको बनाया जा रहा है तो साथियों इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसका बजट कितना है कौन कंस्ट्रक्शन कंपनी है इस साइंस पार्क का कितना बजट है इस बारे में हम, हम चर्चा करेंगे कोशिश करूंगा आपको अच्छा जानकारी देने के लिए इसका जो उद्घाटन किया गया था उनतीस चार दो हज़ार इक्कीस को और इसका जो कंप्लीट डेट है अट्ठाईस सात दो हज़ार बाईस यानी हॉकी वर्ल्ड कप का बाद में तैयार किया जाएगा तो जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ में आपका राइट साइड में यहीं में आपको टिकट मिलेगा राहुल क्लास साइंस पार्क में इंट्री करने के लिए यहाँ से आप टिकट लेके अंदर आ सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी काफ़ी बचा हुआ है इधर जो आप देख रहे हैं ये सब सिक्योरिटी लोन का ऑफिस रहेगा बाकी काम काफ़ी बचा हुआ है अभी है ये है अट्ठाईस सात दो हजार बाईस काफी समय है उतना तक अच्छा से तैयारी कर लिया जाएगा काफ़ी अच्छा बजट में इसको बनाया जा रहा है इसका जो बजट है ट्वेंटी फाइव सियर अप्रॉक्स अगर पच्चीस करोड़ का बजट में बनाया जा रहा है तो पार्क भी वैसे ही होना चाहिए काफी अच्छा साइंस पार्क बनाया जा रहा है अभी भी काफी काम बचा हुआ है उड़ीसा सरकार का यही कोशिश है जो भी मोदी सरकार स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए हैं जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए जो भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है उड़ीसा को उड़ीसा सरकार का और स्मार्ट सिटी का जो भी अधिकारी लोग हैं सबका यही कोशिश रहा है काफ़ी अच्छा बनेगा जब ये तैयार हो जाएगा उड़ीसा सरकार उड़ीसा में तीस जिला में साइंस पार्क बनाने का तैयारी किया जा रहा है साइंस पार्क के साथ में तारामंडल भी बनाया जा रहा है यानी आने वाला समय में उड़ीसा को काफ़ी अच्छा राज्य माना जाएगा राहुल कल्ला का साइंस पार्क तैयार होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा जो कि अभी काम काफ़ी बचा हुआ है मोदी जी ने 2015 में स्मार्ट सिटी का परियोजना शुरू किए थे जिसमें 100 शहरों को चिन्हित किया गया था उसी का एक हिस्सा है राहुल कला स्मार्ट सिटी इसमें मोदी जी को सात लाख बीस हज़ार करोड़ का राशि जारी करना पड़ा चलिए तो देखते हैं 2023 में 28 सात 2022 को तैयार हो जाएगा इसके बाद देखने में अच्छा लगेगा कितना अच्छा बना है इसका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपका काफ़ी अच्छा कंपनी है जो इंडिया का बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करती है काफी अच्छा कंपनी माना जाता है राजेश कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी है चलिए हम लोग थोड़ा और देखने की को कोशिश करेंगे चारों तरफ घर सब बना हुआ है काम अभी काफ़ी बाकी है सब चिप सब बिखरा हुआ है जेसीपी सब खड़ा हुआ है काफी लोग लगे हुए हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी तैयार कर लिया जाए 2023 में यही कोशिश है सबका स्मार्ट सिटी का जो भी अधिकारी है सबका यही कोशिश है इधर जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका स्विमिंग पूल रहेगा काफी अच्छा बनाया जा रहा है इसको काफी बड़ा एरिया है दोनों तरफ से रोड सटा हुआ है अब उस छोर में भी देखेंगे तो उधर भी रोड सटा हुआ है और इधर भी बगल में ड्रेन बन रहा है ये आप देख रहे हैं बगल में सब घर सब है चारों तरफ घर बना हुआ है बीच में रहेगा आपका राहुल कला का साइंस पार्क तैयार होने के बाद यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा चलिए स्विमिंग पूल हम लोग देख लिए, अब आगे चलते हैं जिधर ओपन थिएटर बन रहा है तो साथियों ये है आपका ओपन थिएटर साइंस पार्क का जो आपका स्विमिंग पूल से सटा हुआ है पूरा गोल से इसको बनाया जा रहा है तैयार होने के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा अब ये इसका आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम कितना अच्छा हो रहा है तो साथियों आपको राहुल कला का साइंस पार्क कैसे लगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए वर्नाफ की इच्छा जय हिंद